एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा विवादों में घिरे हुए हैं। राज पर कई संगीन आरोप लगे हैं, उन पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का आरोप है। इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस केस में राज कुंद्रा को राहत नहीं मिली है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राज कुंद्रा को किला कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राज कुंद्रा के वकील ने जमानत के लिए अर्जी दी है। जमानत अर्जी का आधार ये है कि जाँच खत्म हो गई है, राज को अब जमानत दे देनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की हिरासत बढ़ाने की मांग की। पुलिस ने राज कुंद्रा की 7 दिन की हिरासत की मांग की। राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया था और अब आज मंगलवार को राज कुंद्रा की रिमांड को किला कोर्ट ले जाया गया और राज कुंद्रा को किला कोर्ट में पेश किया गया। राज कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया था। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स पर रिलीज करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक राज इस केस में मुख्य आरोपी हैं। राज के अलावा कई और लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसके बाद राज की कोर्ट में पेशी हुई और उन्हें 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अब आज इस केस की सुनवाई होनी थी। जी हाँ, बता दें कि इस पूरे मामले में फरवरी 2021 को इस केस को दर्ज किया गया था। और अब फिर से आपको बता दें कि राज कुंद्रा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, उन्हें 14 दिन के लिए फिर से जेल भेजा गया है। जी हाँ, और खुलासे होने इस केस में अब भी बाकी है। तो और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। सुरभि की रिपोर्ट।